जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिफेंस गुरुजी के आपके अपने ऑनलाइन परिवार में, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज कर रहे हैं ACC 129 का हाल ही में जो एग्जाम हुआ कल 1 अगस्त को, उसका एग्जाम एनालिसिस या बात करें आंसर की और रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट था जिसके आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, उसकी एक बेहतरीन आंसर की, एक बड़ी ही लाजवाब आंसर की आपके सामने होगी। और आपको बता दूं कि ACC 129 के बाद ACC 130 का जो बैच है वो भी आपका स्टार्ट होने वाला है 11 अगस्त से, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप उसके अंदर इनरोल करिएगा 8930910147 के ऊपर, जल्दी से जल्दी ACC 130 को लिखकर आप व्हाट्सअप कीजिएगा और आप जुड़ सकते हैं जल्दी ही डिफेंस गुरुजी की हमारी इस टीम के अंदर। और आपको बता दूं कि जो एनालिसिस मैंने मैथमेटिक्स का आपका किया था, आपने देखा कि 8 से 9 क्वेश्चन आपके हुबहू क्वेश्चन मॉक टेस्ट की उन सीरीज से देखने को मिले। इस प्रकार सेम जो क्वेश्चन है ना आपके 6 से 7 क्वेश्चन अब भी आपके डायरेक्ट ACC के जो हमारे मॉक चले थे उनसे देखने को मिल रहे रीजनिंग के अंदर भी, तो ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारी टीम के साथ जुड़िएगा और आप देखिएगा एक अलग ही नजारा होगा, आपको जो क्वेश्चन हम कराएंगे हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे और आखिरकार वही हुआ। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं हमारे मॉक टेस्ट की इस आंसर की के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है रीजनिंग का, वो एक मिसिंग अल्फाबेट या फिर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, N, Q, T और X। और इसके अंदर आपने देखा कि जो गैपिंग इसके अंदर आई थी और उस गैपिंग से हमारी जो मिसिंग टर्म हमें चाहिए थी वो मिसिंग टर्म निकल के आई है आपकी ऑप्शन नंबर जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा, बी जो आएगा यहां पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें बी लिख रखा है, बी जो आएगा आपका राइट आंसर हो और ऑप्शन नंबर मान के चलेगा आप इसको सी। चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर और आप देखेंगे सेकंड जो क्वेश्चन है कि इफ ए क्लॉक स्ट्राइक्स 12 इन 30 सेकंड, अगर क्लॉक जो है 12 स्ट्राइक कर रही है कितनी देर के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, तो इट विल स्ट्राइक 6 इन हाउ मेनी सेकंड्स, तो ये 6 जो है वो कितनी देर में करेगी। 12 अगर 30 के अंदर कर रही है तो आप कहेंगे सर 30 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाई 6 से 2 और ये कितना है भाई 15, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर जो भी है इसका बिल्कुल क्या है भाई राइट आंसर। चलिए बढ़िया क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर और डायरेक्शन से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें एक कंपास दिया गया था कि वेस्ट डायरेक्शन इज शोन साउथ, अगर जो वेस्ट है आपकी वो साउथ दिखा रही है इसका मतलब आपने 90 डिग्री क्या किया भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न, आपसे पूछ लिया कि जो ईस्ट है वो क्या होगा, तो ईस्ट जो है वो क्या होगा भाई, आप कहेंगे सर ईस्ट जो होगा वो नॉर्थ हो रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ही सीरीज से जो सिंबल आपके दिए गए हैं कुछ सिंबल जिसमें आपको कुछ अच्छे से दिखाई ना दे रहे हो शायद ये, तो बट इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल फिर स्क्वायर फिर ट्रायंगल, इस प्रकार से कुछ एक ऐसी सीरीज दी गई जिसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुछ रोम्बस रिलेटेड इस टाइप का एक जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका मिसिंग टर्म के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और ओपन डाइस दी गई है बिल्कुल डायरेक्ट और पूछ लिया गया कि जो 6 डॉट है उसके अपोजिट जो होगा आपका क्या होगा, 6 डॉट के अपोजिट, तो आप कहेंगे सर 6 डॉट है इसके अपोजिट आ रहा है क्या भाई 2, क्या आ रहा है 6 अपोजिट के अपोजिट 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन और ये डिटो क्वेश्चन हमने किया था हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज में, कुछ इस तरीके से दिया गया, तो देखिएगा जरा ये जो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा और ये कहां बन गया बिल्कुल यही बन गया, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जिसमें ए आया है और ओ एक इसमें है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर और 7 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि ये किससे रिलेटेड है भाई, एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ एक सीरीज दी गई जिसमें क्रॉस दिया गया है, डॉट दिया गया है, 5 और कुछ इस तरीके से एरो देकर एक आपके सिंबल बनाए गए, तो मैं बात करता हूं इसमें आपका जो फिगर आएगा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन का मतलब जो आपका थर्ड जो सिंबल है यानी कि बी ऑप्शन जो रहेगा इसका बिल्कुल क्या है भाई राइट आंसर, जो बी रहेगा आपका बिल्कुल क्या है वो एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर और चलिए देखिए सीरीज से ही रिलेटेड, क्योंकि बताया गया था आपको बड़े अच्छे तरीके से थे कि भाई नॉन वर्बल जो पार्ट है वो आपका वेटेज रखेगा इक्वल टू द आपके वर्बल पार्ट के, कि फिगर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे उनसे एक क्वेश्चन या उसके अंदर कम मिलेगा वर्बल के अंदर या फिर एक आपका नॉन वर्बल के अंदर
से कम मिल सकता है, बस वो बट चीजें जो आपकी है वो कुछ इसी तरीके से इक्वल वेटेज के साथ चलेंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर और सीरीज देखिएगा जिसमें आपका दिया गया एक स्वास्तिक के साइन जिसमें एरो और सर्कल को घुमा के हमारी सीरीज के अंदर दिया गया कि भाई इसमें जो आएगा अब इससे आगे ऑप्शन नंबर आ रहा होगा बी, और ऑप्शन नंबर जो बी है कहां दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका ए के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो होगा ए वो क्या रहेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे कोडिंग का एक क्वेश्चन जिसमें इनकॉर्पोरेट को लिख रखा भाई एचसीजे, कुछ इस प्रकार से आपकी वर्डिंग दे दी गई। सेम वही चीज की पेलमेट को लिख रखा LOFDORH, यही क्वेश्चन आपके किसके अंदर था मॉक टेस्ट की एक सीरीज में भी था। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया गया कि जो मोल्टन होगा मोल्टन वो कैसे बनेगा, तो बस इस तरीके से हमें करना होगा कि जो M है वो किसकी कोडिंग कर रहा होगा भाई DO की, D की। तो सबसे पहले D कहां, आपका ऑप्शन नंबर B में, तो ऑप्शन नंबर B ही इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका रहेगा B। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जिसमें आपका अर्थमेटिकल जो आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के कि सर 18 दे दिया फिर 12 दे दिया गया 4 5 एंड देन 6 और ये वैल्यू जो होगी वो 6 के इक्वल होगी, ये चीज आपको पूछ ली कि कैसे होगी सर ये। बस बात करते हैं जब Q की, तो जो Q है वो किसको डिनोट कर रहा होगा, Q जो है स्टार को डिनोट कर रहा। तो इस प्रकार से अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो आप कहेंगे सर इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर B आएगा 210.5 जो 8 है वो क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B क्या रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, क्या दिया गया कि इन दिस क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन, चार आपके वर्ड दिए गए हैं आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, तीन अलग से एक आपके इक्वल है किसी मैनर से, फोर्थ वन जो आपका डिफरेंट है, तो ओड वन आउट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी वही चीज होगी आपकी, करेक्शन जो है करेक्शन करना का भी मतलब क्या है भाई इंप्रूवमेंट करना, और बेटरमेंट भी क्या होती है वो इंप्रूवमेंट करना होता, बट जो एलिवेशन है वो इनके अंदर आपका नहीं आएगा। तो तीन आपके एक जैसे हैं छोड़ के किसको भाई एलिवेशन को, तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा एलिवेशन वो क्या रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, 12 देखिएगा कि स्टूडेंट लाइन अप इन ए क्यू इन विच आशीष स्टैंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट, 15 जो आशीष जो है आपका लेफ्ट से 15 नंबर पर है, आशीष लेफ्ट से 15 पर है एंड सचिन जो है 7th फ्रॉम द राइट, और सचिन जो है राइट से 7th के ऊपर है। चलिए आगे बढ़िए, इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर वो अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते मतलब आशीष की जगह अगर सचिन आए और सचिन की जगह आशीष आए तो क्या हो जाता है भाई, सचिन वुड बी 15th फ्रॉम द राइट, तो सचिन है वो राइट से कितने पे हो जाता है, तो 15 पर। देन जोड़िए आप लेफ्ट से ये 15 पर राइट से ये 15 पर, तो 15 और 15 कितने 30, 30 में से एक यानी कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं कितना आएगा भाई 29, और ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया भाई अब बारी 13 की, जो कि आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके पेपर हुआ था उससे भी मैच हो रहा है और आपकी मॉक टेस्ट की सीरीज से भी, क्योंकि हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो हमने मॉक टेस्ट की सीरीज के अंदर भी लिए थे, तो आपका क्वेश्चन आया बिल्कुल डायरेक्ट उसी से, और इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी सन आएगा कि क्यू इज द पी सिस्टर, जो क्यू है पी की क्या है भाई सिस्टर है, आर इज पी इज मदर, पी की मदर कौन आर। ठीक है आगे, एम इज मिस्टर आर्ज फादर, एम जो है आर का फादर है, एम आर का कौन है भाई फादर है। आगे दिया गया है कि हाउ इज क्यूज फादर रिलेटेड टू एम, तो क्यू का जो फादर है, क्यू का जो फादर रहेगा वो आर से किस प्रकार रिलेटेड रहेगा, कौन क्यू का जो फादर है वो एम से किस प्रकार रिलेट करेगा, यानी क्यू का फादर कौन भाई ये जो है वो एम से किस प्रकार रिलेट करेगा, ये इसका क्या लगेगा सन लगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 14 नंबर पर बढ़ते हैं और एक मिसिंग टर्म या मिसिंग नंबर से आपका अल्फाबेट जो आपका न्यूमेरिकल सीरीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन जब आप देखेंगे 2 6 12 ये किया या फिर 2 3 6 और 6 12 फिर या 2 4 8 प्लस में 4 तो मल्टीप्लाई बाई किससे 4 से मल्टीप्लाई करके आपने क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके आपने 5 ऐड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 फिर आपने 6 ऐड कर दिया, तो इस प्रकार जो आपकी सीरीज बन रही है तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसमें 150 जो आया आपका बिल्कुल क्या भाई ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, और ये भी एक सीरीज से रिलेटेड जिसमें आपको कंप्लीट करनी थी, फिगर आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी बट अच्छे से जब ये क्वेश्चन आप हमने निकाल के देखा तो इसका जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है जो ए जो फिगर है आप अच्छे से अपने एग्जाम के अंदर देख रहे होंगे, तो ए यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। जिस भी बच्चे ने ये किया है जिस बंदे ने उसके भाई अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन सही थे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर और 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन और इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई ना दे रहा होगा, इसलिए मैं बता दूं कि मैंने एग्जाम के अंदर से बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करके आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन और स्टिक आंसर की बनाई है। चलिए बात करें अगर 16 के ऊपर, तो 16 में भी जो आपकी टर्म रहेगी इसके अंदर सी, वो देखिए हमने कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी का मतलब ये रहा, सी के अंदर सी जो पार्ट है वो इसका क्या है भाई, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। चलिए अब बड़े क्वेश्चन नंबर 17 में, और ये भी आपका फिगर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले कुछ इस तरीके से एरो और फिर इस तरीके से, फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर उसके बाद आपकी एरो कुछ चेंज कर दी गई और इसके बाद जो आपका निकल के आया भाई, आप कहेंगे सर बी जो होगा इसके अंदर, ऐसे होने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए जो पार्ट है, ए पार्ट जो रहेगा, और ए पार्ट का मतलब क्या है भाई, ए पार्ट जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन जो होगा 17 नंबर का वो बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। सीधी सी बात है, कोडिंग से ही रिलेटेड इसको मान लीजिए कि अगर ड्रामा जो है, ड्रामा वो किसके ऊपर होता है भाई, आप कहेंगे सर स्टेज के ऊपर, ड्रामा किसके ऊपर होता है स्टेज पे, तो टेनिस जो खेला का जाता है वो किसके अंदर, कोर्ट के अंदर खोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर देखिएगा जरा एक बार। चलिए बढ़िया क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर ही, और ये भी कुछ इसी प्रकार से आपका फिगर सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपकी ये जो सर्कल है कुछ इस प्रकार से घुमाए गए, सबसे पहले जो ये नंबर मिले आपको यहां तक, ठीक है, सेम जो नंबरिंग है आपकी इसके अंदर थोड़ा सा इस लाइनिंग को बढ़ा दिया गया, एरो सारे के सारे पहले सेकंड के अंदर था फिर फर्स्ट के अंदर, तो सेम जो एरो है आपका कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया, और ये एरो जो आपका था वो कुछ यहां से आपको मिला है, बट आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो एरो है इसको बिल्कुल यहां अपोजिट जैसे कर रहे थे, इसके अंदर भी अपोजिट कर देंगे, तो ऐसी जो एरो आपको दिखाई दे रही है वो एरो है ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो कहां देखिएगा इसमें, ये आ रहा आपका किसमें भी, ऑप्शन नंबर सी में, जो आपका डी वाला फिगर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, और 20 क्वेश्चन है वो भी आपका कुछ इसी तरीके से कि सबसे पहले आपको तीन सर्कल दे दिए गए और आपका एक जो स्क्वेयर है कुछ इस तरीके से बना दिया गया, फिर आगे बढ़े कि सर ये सर्कल है ना वो तो हमने ऊपर कर दिया, बट ये स्क्वेयर है अब कुछ तीन, जो तीन स्क्वेयर है वो कुछ इसके अंदर ले लिए गए, इसी प्रकार आपकी जो कीज थी यानी कि ट्रायंगल के अंदर इन तीनों कीज को कुछ इस तरीके से लिखा गया, इसका मतलब अब की जो आपकी है वो बाहर आ जाएगा और इसके अंदर क्या आएंगे भाई, तीन ट्रायंगल आ जाएंगे, और ऐसा जो ऑप्शन है आप देख पाएंगे सर 1 2 यहां देखेंगे 1 2 3 यानी कि इसके अंदर आपका मिल रहा है 1 2 और आप देख पाएंगे कि ऐसा ऑप्शन आपको ए ही दिखाई दे रहा है, ए का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा फर्स्ट फिगर इसका क्या रहेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, और ये भी आपकी फिगर सीरीज से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये 21 है आपका सेम हुबू आपका किससे रिलेटेड भाई, ये भी फिगर सीरीज से आपका नॉन वर्बल पार्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सारे के सारे सर्कल हैं, बस जो डॉट है उसकी पोजीशन आपकी चेंज की गई, और डॉट अगर इसके अंदर आप देख पाए कि सर जो डॉट मिलेगी आपको किसके अंदर मिल रही, ये जो डॉट है आपकी मिलेगी किसके अंदर, देखिए जरा सबसे पहले डॉट मिस में आपका यहां, फिर कहां जाता है यही डॉट है आपका, कहां जाता है भाई यहां पे, फिर ये बड़ा कहां यहां पे, और इसके बाद ये जो आपका चलेगा वो जा रहा होगा 21 के अंदर, और आपका ऑप्शन आ जाता है यहां से, अगर देखेंगे इन चीजों को तो जो डी होगा आपका, डी वो क्या होगा इसका, यानी कि डी का मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर, और आप 22 में जो फिगर देख रहे हैं सर कुछ इस तरीके से है कि कुछ आपकी क्रॉसिंग कुछ इस प्रकार से की गई, और ये क्रॉसिंग ये है, यहाँ सर्कल, यहाँ भी सर्कल और यहाँ भी सर्कल, ठीक है, अगर आपको क्या करना है ये फिगर कंप्लीट करना है, तो देखिएगा ये एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ जो आपकी जो फिगर आएगी वो कहाँ होगी भाई, कुछ इस तरीके से होगी, कहाँ होगी कुछ इस तरीके से, और ऐसी जो फिगर है आपको देखिएगा जरा, आपको देखने को मिलेगी फिगर यानी कि जो फिगर थर्ड है, और थर्ड का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल क्या है भाई आपका सही आंसर। चलिए इससे आगे बढ़े और हमारे लास्ट
क्वेश्चन है 23, 24 और 25, इनको भी जल्दी से निपटा लेते हैं, जिसमें आपके क्या दिए गए, सारे के सारे हेक्सागोन जो दिए गए हैं। सबसे पहले जो जो आपका एरो है कुछ इस तरफ, और फिर एरो जो आया ऐसे, फिर एरो जो आया कुछ इस तरीके से, बट आप सर्कल को अगर देख रहे हैं तो आपका जो सर्कल है वो कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो सर्कल आपका बढ़ेगा वो कहाँ जाता है, सर्कल जो आपका होगा भाई कहाँ आएगा, बिल्कुल इस तरफ आएगा, ठीक है। बट अगर ये आपके सर्कल कुछ जो एरो थे कुछ इस प्रकार से, ये जो आपका लाइन है वो कुछ इस प्रकार से चल रही है, अगर तीनों में ये मिक्सअप हो जाती है, ये यहाँ आई फिर ये यहाँ फिर ये यहाँ, तो ये जो लाइन अप होगी कहाँ होगी, इसके अंदर, यानी कि जो डी फिगर है, और डी फिगर का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, वो क्या होगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, और ये भी क्या भाई, एक पेपर आपका फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसके अंदर आप कर रहे थे कि फोल्डिंग पेपर को आप कैसे दे पाएंगे यहाँ पे, कि फाइंड फ्रॉम अमंगेस्ट द फोर अल्टरनेटिव ऑफ आंसर फिगर हाउ द पैटर्न वुड अपियर व्हेन द ट्रांसपेरेंट सीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड, कि डॉटेड के ऊपर अगर आपकी जो ट्रांसपेरेंट सीट है वो क्या कर दी जाती है, फोल्ड कर दी जाती है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मिलेगा। और आप यहां करेंगे सर ऐसा ही डिट्टो जो आपका ऑप्शन होगा वो कैसे बनेगा, सेम इसी प्रकार अगर आप इसको लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, और ये आपका ऑप्शन यानी कि जो थर्ड फिगर दी गई, और थर्ड फिगर का मतलब ऑप्शन नंबर बी ही क्या इसका भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 25th क्वेश्चन, ये भी एक कंप्लीशन ऑफ फिगर से ही रिलेटेड क्वेश्चन, और बात करें अगर कंप्लीशन ऑफ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन की, जिसमें आपका एक सर्कल दिया गया है, सर्कल ना मान के इसको हेक्सागोन कहेंगे, और हर एक के अंदर आपकी दो दो लाइन है कुछ इस प्रकार से आपकी हो रही है मैच, ठीक है। इसके बाद आप इनको करेंगे कुछ इस तरीके से, और इनको मिला देंगे ऐसे, और आपका फिगर बन जाता है, और इससे रिलेटेड जो फिगर होगा आपका वो बनना भी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, बिल्कुल सही फिगर कुछ ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें, ये आ रहा आपका किसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, क्योंकि डी फिगर है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो ए ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार हमारी जो आंसर की थी बिल्कुल स्टिक और सही आंसर की है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि हमारा एसीसी 130 का जो बैच है वो 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है भाई, 11 अगस्त से, और आप 8930910147 के ऊपर एसीसी 130 लिखकर सिर्फ आप इनरोल हो सकते हैं हमारे साथ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।